नमस्कार, मैं हूं निशांत वर्मा और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। समाज को बेहतर बनाने में शराबबंदी एक अहम फैसला है, पर क्या ऐसे अहम फैसले लेने से पहले इसके लिए ठोस व्यवस्था होना जरूरी नहीं है? सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने आनन फानन में शराबबंदी तो कर दी, लेकिन इसे लेकर कोई ऐसी ठोस व्यवस्था नहीं बना पाए जिससे शराब संबंधी मामलों को निपटारा जल्द से जल्द किया जा सके। यही वजह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने नीतीश कुमार के शराबबंदी पर लिए गए फैसले को जल्दबाजी बताते हुए कहा कि यह शराबबंदी का फैसला दूरदृष्टि की कमी को दर्शाता है। इस मामले पर जदयू, भाजपा और राजद के प्रवक्ता से जब मेरी बात हुई तो क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि शराबबंदी जो है इसके इतने सारे केसेस हैं जिस वजह से सामान्य एक बेल पिटीशन को भी सुनवाई करने में एक एक साल का लंबा वक्त लग जा रहा है। क्या कहें, कहीं ना कहीं उनका कहना है कि नीतीश सरकार जो शराबबंदी का फैसला लिया उसको जल्दबाजी कर दी, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, बिहार सरकार दोनों सदनों से सर्वसम्मति से शराबबंदी करने का फैसला लिया, उसके बाद बिहार सरकार के फैसले के खिलाफ बहुतेरे लोगों ने पटना हाई कोर्ट में अपील किया, पटना हाई कोर्ट से भी हम लोगों ने केस जीता, उसके बाद बहुतेरे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी केस किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार सरकार के पक्ष में फैसला दिया और उसके बाद बिहार सरकार पूरे बिहार में पिछले 6 वर्षों से पूर्ण शराबबंदी कर रखी है और इस शराबबंदी के कई फैसले, कई लाभ बिहार को मिल रहा है, बिहार के समाज को मिल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने ही कह रखा है कि पूरे देश के एनएच में कहीं भी शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। बिहार में एनएच पर दुर्घटना के मामले शून्य हैं, यह बिहार के लिए उपलब्धि है। तो बिहार सरकार ने जो फैसला किया है यह अद्वितीय है। जहाँ तक केसेज के सवाल हैं तो इसके लिए बिहार सरकार ने स्पेशल कोर्ट बना रखा है और उस कोर्ट के माध्यम से शराबबंदी कानून तोड़ने वाले लोगों की सजा हो रही है और लोगों को सजा हो रही है और बड़ी संख्या में लोग जेल जा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों की धरपकड़ हो रही है। जो कानून को तोड़ेंगे सरकार उन पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन उनका कहना है कि बिहार सरकार को पहले से ही सारी व्यवस्थाएं कर लेनी चाहिए थी, जो स्पेशल कोर्ट वगैरह की बात चल रही है वो सब सारी व्यवस्था पहले कर लेनी चाहिए थी, फिर इस पे फैसला लेना चाहिए था, लेकिन ये कहीं ना कहीं दूरदर्शिता की कमी थी जिस वजह से जल्दबाजी में फैसला लिया गया, इस वजह से बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है कोर्ट्स में। नहीं, बिहार सरकार ने इस शराबबंदी के साथ स्पेशल कोर्ट का भी गठन किया और स्पेशल कोर्ट के माध्यम से केसेज की सुनवाई हो रही है, लोगों को सजा हो रही है और बहुत सारे लोग सुधरे भी हैं। बहुत सारे लोग आज नशा को त्याग करके मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, यह उपलब्धि है। घटक दल आपके जो है वो कई बार आपके पक्ष पे नहीं बोलते हैं, कई बार इसके अगेंस्ट में जाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट सभी लोगों के लिए कह रखा है कि भाई इसमें कोई परिवर्तन की बात ही नहीं है। सर, इंडिया के चीफ जस्टिस जो हैं उनका कहना है कि बिहार सरकार नीतीश कुमार के द्वारा जो शराबबंदी की गई है उसमें दूरदर्शिता की कहीं ना कहीं कमी थी, इसी वजह से बिहार के जो कोर्ट हैं उनमें केसेस इतने सारे पेंडिंग पड़े कि एक सामान्य बेल की सुनवाई के लिए भी एक एक साल का वक्त लग जाता, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निश्चित रूप से सराहनीय कदम उठाया है, पूरे देश में इसकी तारीफ हुई शराबबंदी, लेकिन यह भी सच है कि काफ़ी लोग पकड़े गए हैं जिसके कारण कोर्ट पर दबाव बना है, जेल पर दबाव बना है, लेकिन हमारी सरकार का प्रयास है कि इसको कम से कम किया जाए और इसके लिए स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था की जाए ताकि कोर्ट पर दबाव न बने और जो इस शराब पीने में, शराब बेचने में जो संलग्न है उन पर कार्रवाई हो सके। चूँकि यह सराहनीय कदम है और ये ज़रूरत है बिहार को, क्योंकि बिहार में आप देखे थे कि शराबबंदी के पहले क्या हाल था, चौक चौराहा पर लोग शराब पीते थे, नंगा नृत्य करते थे और काफ़ी अपराध की बढ़ गई थी तादाद, तो निश्चित रूप से उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन परेशानियां आ रही हैं, लेकिन हमारी सरकार परेशानियों से निपटना जानती है और मुख्यमंत्री इस पर गंभीर चिंतन कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा
और कोर्ट का दबाव कमेगा और लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन सर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि जल्दबाजी कर दी नीतीश कुमार ने, उनको और थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए था, सारी चीज़ों का पैमाना सही तरीके से नाप तोल कर उसके बाद इस चीज़ को, शराबबंदी को लागू करना चाहिए था। देखिए, कदम तो लिया जा चुका है और हमारी सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि लोग जागरूक हों, सामाजिक जागृति हो, उसके लिए मुख्यमंत्री अभियान चला रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं, बता रहे हैं कि शराब से कितने घाटा होता है, कितने घर तबाह होते हैं, और निश्चित रूप से जब लोग जान जाएंगे, जाग जाएंगे, तो ये कम हो जाएगा और शराबबंदी पर अंकुश लगेगा। और यह निर्णय लिया जा चुका है, अब ये बदला नहीं जाएगा निश्चित रूप से। लेकिन ये मानते हैं सर कि कहीं ना कहीं जल्दबाजी किया गया था? देखिए, सरकार कोई ना कोई निर्णय लेती है समाज हित में, राज्य हित में, और हमारी सरकार ने लिया है, जल्दबाजी ही सही लेकिन अच्छा कदम है और इसकी सराहना हुई है सब जगह, तो इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। परेशान है, उनकी सुधार नहीं हो रही है और आप पहले सरकार सुधर जाए, इसके बाद सारा सुधर जाएगा सिस्टम। सरकार की व्यवस्था सिस्टम को पहले सुधार लें, तो वो तो सुधार नहीं पा रहे, तो चले हैं समाज सुधारने। 16 वर्षों में तो समाज सुधार नहीं पाए, तो अब अंतिम समय में जा रहे हैं समाज सुधारने। पहले तो सिस्टम को ठीक करना होगा ना, ये सरकार सुधर जाएगी, व्यवस्था ठीक हो जाएगा, समाज खुद ब खुद सुधर जाएगा। सर, एक सवाल और है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्पष्ट कहा, जो टिप्पणी की है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इससे सबक लेना चाहिए, तार्किक बात करनी चाहिए, तो उल्टे वो धमकी दे रहे हैं कि बिहार नहीं आने देंगे, नहीं आओ बिहार, ये उनका बिहार है। ये जिद के कारण आदरणीय नीतीश कुमार जी देश के सीनियर लीडर हैं और एक हनक के कारण, सनक के कारण आज बिहार को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर रहे हैं और अब कह रहे हैं कि मत आओ बिहार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जो बात कह रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री जी थके हुए हैं, इनसे बिहार नहीं संभल रहा है, ये जो बात नीतीश कुमार जी ने कही है, इससे ये दिख रहा है कि नीतीश कुमार जी अब इनकी झल्लाहट जो है ये बता रहा है कि अब इनसे बिहार नहीं संभल रहा। शराबबंदी के केसेस जितने ज्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं, एक एक साल एक आम, यही बात तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ही टिप्पणी कर दी, उसी का तो बात हमने कह दिया कि नीतीश कुमार जी सनक हनक के कारण बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। शराबबंदी में भी बहुत, अगर शराबबंदी क्या, शराबबंदी तो फेल कर रहा है सरकार में बैठे लोग, पहले वहाँ कार्रवाई करेंगे, नहीं तो गरीब जनता आम जनता को परेशान करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शराब संबंधी मामले की वजह से बिहार के कोर्ट में एक सामान्य बेल की सुनवाई में भी एक साल का लंबा वक्त लग जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे हमारा चैनल 4 पिलर लाइव।